बॉलीवुड इंडस्ट्री अक्सर ध्यान खींचती है सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ को लेकर। यहाँ पर 47 साल की एक्ट्रेस जो कि 18 साल के बेटे की मॉम है और वो 15 साल छोटे लड़के को डेट करती है, और यही कारण है कि इस इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि काफी ओपन माइंडेड और बोल्ड इंडस्ट्री है। जैसे कि आप मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को ही ले लीजिए। पहले ये कपल अपने रिलेशन को लेकर काफी क्लोज्ड थे, हालांकि सुर्खियां थी रिलेशन को लेकर, लेकिन ये कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए। लेकिन जब से मलाइका अरोड़ा का तलाक हुआ है, उसके बाद अर्जुन कपूर और मलाइका ने अपने इस रिलेशन को बिना कुछ कहे ऑफिशियल कर दिया है। साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाना, स्पॉट करवाना, और इन दिनों तो ऐसा हो गया है कि अगर मीडिया या पैपराज़ी पीछे से कैप्चर करते हैं तो वो रुक के प्रॉपर पोज देते हैं। हाल ही में जब अर्जुन कपूर को कोरोना हुआ था और उसके जस्ट बाद मलाइका अरोड़ा को भी कोरोना हो गया था, तब लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था। और अब अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा दोनों ही निकले हैं एक ट्रिप पर। एक्चुअली अर्जुन कपूर तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मलाइका अरोड़ा ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। जी हाँ, इन दिनों अपनी फिल्म भूत पुलिस के लिए अर्जुन कपूर हिमाचल गए हुए हैं, जहां पर उनके को स्टार है सैफ अली खान। इसके अलावा यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म का हिस्सा है। हाल ही में जब दिवाली आई तो मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर को हिमाचल में ज्वाइन किया। इनफैक्ट दिवाली की शाम को करीना कपूर, सैफ अली खान, मलाइका और अर्जुन चारों को एक साथ स्पॉट भी किया गया साइट सीइंग करते हुए। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा ने अपनी सिंगल पिक्चर्स शेयर की हिमाचल में मॉर्निंग वॉक करते हुए। मलाइका अरोड़ा जो कि हमेशा सेंसुअलिटी लेवल एकदम हाई रखती है और उनके लुक्स और उनके फिगर के लिए हमेशा लोगों से उन्हें तारीफें मिलती रहती है, लोगों ने मलाइका अरोड़ा से पूछ डाला कि आप अकेली वॉक क्यों कर रही हैं, अर्जुन कपूर क्यों नहीं है। यानी कि जाहिर सी बात है, मलाइका और अर्जुन अपने रिलेशन को कब ऑफिशियल करेंगे और कब शादी करेंगे इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, अब वो अपने इस रिलेशन को छिपाते भी नहीं है। वहीं अगर बात करें मलाइका के एक्स हस्बैंड अरबाज खान की, तो अरबाज खान तो ऑलरेडी जॉर्जिया को डेट कर रहे हैं, उनके साथ लिव इन में रहते हैं।